आइए माता जी, कहां से हो? माइक ले सकती हूँ? इस तरफ मुंह करो। यूपी अयोध्या के पास से हूँ, फरीदाबाद रहती हूँ। पहली बार आए? नहीं, ये दो बार यहाँ दिल्ली में जब हुआ था जब आई थी, अभी नोएडा में जब हुआ था जब आई थी। अच्छा, अभी फिर आपको भरोसा था कि बालाजी बुलाएंगे? मैं आपको, आपकी उम्र का मेरा बेटा है, मैं आपको इतना पसंद करती, जितना भक्ति आप गाते हो मैं एकदम जैसे भक्ति में रम जाती हूँ। जय हो माँ। मेरी इतना इच्छा होता है कि मैं सुनती ही रहूँ। वाह। जब आपका आता है चैनल, मैं हमेशा नहीं रहता डाउनलोड रहता, उसको सुनती हूँ। अरे वाह, पसंद है। और जब आपका वो टाइम निकल जाता तो अनुरुद्धा चार का सुनती हूँ, नहीं तो आपका जब भी आएगा जी मैं मोबाइल पर देखती रहती हूँ। अरे वाह। अब थोड़ा सा जुकाम का प्रॉब्लम था, बेटा कह रहा था मत जाओ मम्मी, मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं लाऊंगी लेके खा के गुड़ थोड़ा लेके। अरे मैंने सुबह 5 बजे, हमको भी जुकाम है अभी कल से, सुबह 5 बजे उठ के नहा के पूजा करके। अरे वाह। फिर मैंने कहा मैं जाऊंगी। वाह। बड़ा लड़का था नहीं तो दिल्ली में मेरे बहन का लड़का रहता है, मैंने उससे पूछी कि किस रूट से जाना है जी, तो उसने बताया, तो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चली आई। क्या समाधान चाहती हैं आप, पूछो। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मैं दिल से आपका दर्शन कर लूं, मैं आप दर्शन करके धन्य हो जाऊं। हनुमान जी की दया सदा जय। मुझे बहुत, मैं आपका दर्शन पाके मैं उस माँ की कितनी बड़ाई करूँ, कौशल्या माँ वो धन्य हो गई आप जैसा बेटा पैदा करके। आपकी कृपा और माता जी का आशीर्वाद, आप दुनिया का भला कर रहे हैं। बालाजी करवा, क्या समाधान चाहते? मेरा पहला यही है कि मैं आपको दर्शन पा गई, धन्य हो गई। हाँ, बाकी तो आपको पता है। हाँ, पूछ लो, बिना माइक के पूछ लो। हाँ, जी जी हाँ जी जी इसमें हमारे में 3 बातें आई, शायद गलत हो तो आप टोक सकते हैं। पहले तबीयत के बारे में आया, बीच बीच में बहुत परेशान स्वास्थ्य को लेकर के हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में कंपन भी होने लगता है, कमजोरी अत्यधिक छा जाती है, सिर में चक्कर बनने लगते हैं। दूसरी अर्जी आपके बालक की आई हुई है, बालक के विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, उसका मन बहुत उच्चाटित रहता है, शादी के लिए वह हाँ नहीं कहता, वह निर्णय नहीं ले पा रहा, जिस कारण से आपके घर में तनाव बना हुआ है। तीसरा कारण आपका आर्थिक तंगी का आया हुआ है, आर्थिक तंगी के कारोबार को लेकर के। शायद आपके 2 बच्चे हैं, हमारे जानकारी के अनुसार बिटिया भी एक है, ठीक है, ये जानकारी में हमारे में आया। तो आर्थिक विकास बच्चे करेंगे, काम उनका सफल होगा, वह बालक का विवाह हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से 2025 के प्रारंभ में हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। नौकरी का योग है या नहीं हम बता सकते हैं पूछ करके, हमें समय दीजिए। कलेश भी परिवार में बहुत बना, पारिवारिक। आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको बहुत बल दिया है। और ये नौकरी वाली अर्जी आपके छोटे वाले बालक की है, ठीक है। आपका छोटा वाला बालक सेवा बल में जाना चाहता है, सेवा बल का मतलब कहलाता पुलिस बल, पुलिस विभाग में जाना चाहता है, तैयारी उसकी बहुत तेज है। वर्तमान में वह बहुत ज़्यादा जल्दी होपलेस हो जाता है, वर्तमान में ये दिक्कत जा रही है। इस बालक को आप धाम भेजो, हमें कवच दे भी, मेहनत उसकी, कृपा बालाजी की। हम तो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करके एक उसको रास्ता बता देंगे, गुरु होने के नाते उसी से तुम्हारा बालक सफल हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। ये मंत्र हमने लिखा है,
तीन माला धाम की पेशी अनवरत करनी है, ये उस बालक के लिए लिखा है। जब पांचवी ग्यारहवीं यथाशक्ति ज्यादा भी कर सकते इससे और अच्छा। ना 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 हनुमान जी की खूब दया सदा। अब आज से स्वास्थ्य ठीक रहे, जा जय सियाराम। हाँ।